बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद बिलाल फ्रॉम चैनल फन फिज़िक्स। आज हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 15.2 डिस्कस करेंगे। अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैज अ टर्न रेशियो ऑफ 1:100 एंड अल्टरनेटिंग सप्लाई ऑफ 20 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल, व्हाट इज सेकेंडरी वोल्टेज। हमारे पास एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जिसकी टर्न रेशियो है 1:100। एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई की जाती है प्राइमरी कॉइल के अक्रॉस 20 वोल्ट की। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने सेकेंडरी वोल्टेज फाइंड आउट करना है। हमारे पास गिवन डाटा क्या है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की टर्न रेशियो हमें गिवन है एन पी रेशियो एन एस इज इक्वल टू 1:100, जिसको हम लोग एन पी ओवर एन एस इज इक्वल टू 1/100 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ये बात याद रहे, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जिसके जो सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, जबकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में जो नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कॉइल के होते हैं वो कम होते हैं एज कम्पेयर टू द प्राइमरी कॉइल। और वोल्टेज हमारे पास जो प्राइमरी है जिसको हम लोग बी पी सी डिनोट करते हैं वो है 20 वोल्ट। और हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है, इसमें सेकेंडरी वोल्टेज फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास फिगर है जिसमें नंबर ऑफ टर्न ऑन द प्राइमरी कॉइल एक है और प्राइमरी वोल्टेज है 20 वोल्ट, और जो हमारे पास सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न हैं वो है 100, और इसमें हम लोगों ने वोल्टेज फाइंड आउट करनी है सेकेंडरी कॉइल की। तो सॉल्यूशन की जानने पड़ते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं वी एस ओवर वी पी इक्वल टू एन एस ओवर एन पी। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने वी एस फाइंड आउट करना है, वी एस को हम लोग अलहदा करेंगे। तो इस सॉल्यूशन को जब हम लोगों ने रीअरेंज किया एन एस मल्टीप्लाई बाई वी पी ओवर एन पी, इसके बाद हम लोगों ने वैल्यू पुट आउट किए। एन एस हमारे पास 100 है जो कि सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स हैं, और वोल्टेज जो प्राइमरी वोल्टेज है वो हमारे पास 20 वोल्ट है, और जो प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो एक है। तो इसको जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो हमारे पास जो वोल्टेज आई सेकेंडरी वोल्टेज वो है 2000 वोल्ट, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। तो यहाँ तक के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में जल्द मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।